नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। बिहार में इस समय चुनावी माहौल है और विधानसभा की चार सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर ऐसा सियासी घमासान मचा हुआ है कि अलग अलग राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे पर शब्द बाणों से कुछ ऐसा वार कर रहे हैं कि जैसे ये उपचुनाव ना हो बल्कि महाभारत का महायुद्ध छिड़ा हुआ हो। इसी महायुद्ध में जेडीयू ने नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर ऐसा प्रहार किया है कि जिसमें न सिर्फ तेजस्वी यादव बल्कि उनके पिता लालू प्रसाद यादव को भी लपेटे में ले लिया है, जिससे बिहार में मच गया है सियासी बवाल। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दरअसल इस समय बिहार में चुनावी दंगल का माहौल है और इस चुनावी दंगल में बेलागंज, इमामगंज, रामगढ़ और तरारी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है और ऐसे में जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू की ओर से नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव पर करारा हमला बोला गया है। दरअसल राजधानी पटना में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता व एमएलसी नीरज कुमार ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर संगीन आरोप लगाए हैं। जेडीयू के नेता और एमएलसी नीरज कुमार ने आरोप लगाया है कि तेजस्वी यादव ने आमदनी कम दिखाई और कर्ज ज्यादा दिखाया है। तेजस्वी यादव के हलफनामे पर सवाल उठाते हुए जेडीयू नेता नीरज कुमार का आरोप है कि तेजस्वी यादव 11,000 रुपए की आमदनी दिखाते हैं लेकिन 3 करोड़ रुपए का कर्ज कैसे दे देते हैं। नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर आरोप लगाते हुए कहा कि तेजस्वी यादव के पिता ने चारा घोटाला किया और वो यानी खुद तेजस्वी यादव सैलरी घोटाला कर रहे हैं। वहीं इसके साथ ही नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव पर तंज कसते हुए कहा कि आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। अब सवाल उठता है कि 11,000 रुपए प्रतिमाह कमाने वाला व्यक्ति चार्टर प्लेन में अपना जन्मदिन कैसे मनाता है, अपनी जन्मदिन की पार्टी कैसे मनाता है और साथ ही वो हमेशा विदेश भी कैसे घूम लेता है। ये फॉर्मूला बिहार के लोगों को भी तेजस्वी यादव को बताना चाहिए। पार्टी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को डॉक्यूमेंट्स दिखाते हुए नीरज कुमार ने कहा कि इसका जवाब मैं सीधा तेजस्वी यादव से मांगता हूं। अगर मेरा ये आंकड़ा गलत है तो तेजस्वी यादव मुझ पर केस कर दें। साथ ही ये भी जानकारी दें कि तेजस्वी यादव जब विधायक बनकर नेता प्रतिपक्ष बने रहते हैं तो उनकी आमदनी कम हो जाती है और अब जब वो सिर्फ विधायक रहते हैं तो उनकी आमदनी बढ़ कैसे सकती है। यानी देखा जाए तो इस आरोप के साथ ही जेडीयू नेता व एमएलसी नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को चैलेंज भी कर दिया है। चुनावी माहौल में जेडीयू प्रवक्ता की ओर से किए गए इस वार का अब तेजस्वी यादव किस रूप में जवाब देते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे आपको क्या लगता है कि जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के इस आरोप पर क्या कहा जा सकता है, इस बारे में हमें अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।